सजणों के मित्रों अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम जो है ना इंशाल्लाह शीर खुरमा बनाने जा रहे हैं और शीर खुरमा की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ रहें। तो चलिए हम अब शीर खुरमा बनाने के लिए अब हम शीर खुरमा की जो है ना तैयारी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि शीर खुरमा किस तरह बनता है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। और शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया और ये हमारे पास जी 2 सेवइयों के पैकेट हैं और 6 शीर खुरमा के डब्बे हैं और 6 ही हमारे पास दूध के डब्बे हैं। और इसके साथ हमारे पास एक बटर का पैकेट है और इस बटर के पैकेट को हम खोल कर इसके अंदर हम डालने लगे हैं। तो ये बटर का पैकेट हमने इसके अंदर डाल दिया, तो इसको हम सही तरह से साफ़ करके डाल देंगे। ये जी अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये पूरे नीचे से लग जाए। अब इसके साथ हम इसमें सेवइयों के पैकेट को डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में ले लेना है और इसको दबा के छोटे छोटे पीसेस करके हमने इसमें डाल दिए। और इसी तरह हम अब दूसरा ये इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देंगे और इसको हम इसके अंदर ये डालने लगे और इसके अंदर इसको हमने डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, तो इसी तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बटर को जज्ब कर लें। ये जी इसको हमने हल्के से हिलाते रहना है। अब इसके साथ हम जो है ना इसमें शीर खुरमा भी खोल के इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे भूनने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर, और इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो ये शीर खुरमा के डब्बे हमने साथ ही में खोल लिया। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको एक साथ ही हम भूनने के लिए रखेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने हिलाते रहना है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। तो इस तरह से हम ये सारे शीर खुरमा के पैकेट इसके अंदर डाल देंगे। तो एक एक करके हम इसको डालते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इसको हिलाते जा रहे हैं। तो ये हमने इसको ऐसे हल्के हल्के से हिलाते रहना है ताकि ये एक साथ ही हल्की आंच में अच्छे तरह से भूनने लग जाएं। तो ये जब हम इसको देखेंगे कि इनकी खुशबू आने लग गई है और ये अपनी रंग ये जी अब हम इसमें दूध डालने लगे हैं और दूध हम इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब हम दूसरा पैकेट भी इसके अंदर डालेंगे। ये इस तरह से हमने इसको डाल देना है और थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो हम इसके साथ इसमें चम्मच भी हिलाएंगे और हिलाने के बाद अब इसमें हम सारे दूध के डब्बे एक एक करके डाल देंगे। तो इस तरह से हम बाकी दूध के डब्बे भी खोल कर इसके अंदर हम डाल देंगे। तो हमारे पास जितने शीर खुरमा थे उतने ही हमारे पास दूध के डब्बे थे। तो हमने इसमें 5 डाल चुके हैं और 5 शीर खुरमा डाल चुके थे और 1 शीर खुरमा हमने और डाला और 1 दूध का डब्बा हम इसमें और डाल रहे हैं। तो ये दूध हम डाल चुके हैं और इसके साथ ही हम इसको अब इसको हम जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसको 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद हम इसमें दोबारा से चम्मच को हिलाएंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि नीचे से हमारा शीर खुरमा लग ना जाए। तो इसको हम बड़ी एहतियात के साथ इसको हम हिलाने के बाद दोबारा कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद हम दोबारा आके इसको फिर हिलाएंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये नीचे से कहीं लग। इसको हम थोड़ी देर के बाद दोबारा जो है ना हम इसको हिलाएंगे। इसको हम हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए ऐसे हिलाते रहेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये नीचे से कहीं लग ना जाए। इसको हम देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी किस तरह से इसका जो है ना ये रंग चेंज होता जा रहा है और ये देखें ये जो सेवइयाँ इसकी पकती जा रही हैं। इसको हम हल्के से हिलाते रहेंगे और मज़ीद इसको हिलाएंगे और इसको हम दोबारा कुछ देर के लिए जो है ना हम इसको हिलाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। Few moments later. और इस
इसको तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट हो गए हैं, इसको हम धीमी आंच पर पकने दे रहे हैं। और ये देखें ये जी कितना जो है ना गाढ़ा होता जा रहा है, तो ये अब बनने के करीब है और थोड़ी देर में ये अब बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको हम उतार कर फिर एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखें ये सोइयों का कलर देखें, ये जी बिल्कुल शीशा नुमा हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है ये आप पक चुके हैं। बस अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे मज़ीद, थोड़े से टाइम के बाद इंशाल्लाह ये थोड़ा सा पक जाएगा। हम इसको चेक करते हैं थोड़ा सा रोशनी में, ये देखें जी दूध अभी थोड़ा सा हमें दूध अभी थोड़ा सा जो है ना ठीक लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पकने के लिए छोड़ेंगे। हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए और इसको हम साइड से भी ये देखेंगे साफ करते आएंगे ताकि ये जो खोया बन रहा है ये दूध में शामिल हो जाए। और इसको हमें साइडों से इसका साफ करते रहना है ताकि इसका जो मल्ला है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये भी माशाल्लाह से बन चुका है और इसको हम अब ट्राई करेंगे अपने पास और देखेंगे कि भाई ठंडा होने के बाद कैसा लगता है। हम थोड़ा सा इसको भी हम अब थोड़ा सा अपने पास ट्राई करते हैं कैसा है। ये हमने जी थोड़ा सा प्लेट में ले लिया है, बाउल में ले लिया, इसको हम देखते हैं ये कैसा हमें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारा शीर फॉर्मा जी बन कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको दम पर दे देंगे। ये शीर फॉर्मा हमारा जी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका जो है ना इसकी फ्लेम को भी बंद कर देंगे। ये हमारी रेसिपी और हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो इसके साथ हम आपसे जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।